आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं केशव चंद्र वर्मा का लिखा प्रहसन साझे किरायेदार। निर्देशक है मधुप शर्मा। देखा पार्टनर राम कुबेर, तुम समझते थे कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मजाक है, लेकिन आखिर तुमको भी ठौर मिली तो वहाँ जहाँ मैंने कहा था। भाई राम का नाम लो, कितनी चरका पट्टी पढ़ानी पड़ी तब जाकर ये मकान दिया पट्टा। कहता था कि साहब मैं 2-3 आदमियों को प्रॉमिस कर चुका। अरे वो तो मैंने उस पर ये जमाया कि हम लोगों को भी 4-5 मकान मिल रहे हैं, मगर कुछ इस मोहल्ले में मन ऐसा रम गया है कि दूसरी जगह जाने का मन ही नहीं करता। मगर मकान वैसे बहुत बुरा नहीं है श्रीधर भाई। बुरा होता तो अपने राम यहाँ क्यों आते। अब देखो ना, इधर तो तुम रह जाना समझे, ये 2-3 कमरे हैं, 1-2 और ये 3, अच्छे खासे हैं। वहाँ अपना किचन कर लेना, और भाई बाथ और लेटरिन तो वो तो कॉमन ही रहेंगे। बात ये है कि अपन तो अकेले आदमी ठहरे तो मतलब बात ये है कि आपके साथ यही एक प्लस पॉइंट है, यहाँ तो साथ में 4 आदमियों का काफिला और जुड़ा हुआ है। वो तो ठीक है। अब तुम ही देखो राम कुमार भाई, इसका फर्श कितना अच्छा है। एक बार पानी डाल दिया तो बस चमक चमक के चमकने लग जाएगा। देखो श्रीधर, इधर आओ, अरे ये खिड़की के पास आओ भाई। तो यहाँ से दृश्य भी अच्छा दिखाई देता है। अरे बिल्कुल सन्नाटा, खेत ही खेत नजर आते हैं। अरे खेत का हम क्या करेंगे, खैर हाँ वो अगवाड़े मकान की कसार भी बात यह है ना भाई कि एकदम एकांत में अगर हम लोग रहने लग जाएं तो हमारा साहित्य भी जनजीवन के संपर्क में न रहकर एकांतवादी बन जाएगा। और देखो ना, साथ ही साथ इसी किराए में ये अलमारी भी मिल गई। अरे वाह। और वो जो कैंटोनमेंट के पास वाला देखा था ना मकान, उसके लिए वो मकान मालिक कहता था कि मकान की सब अलमारियां मैं बंद रखूंगा क्योंकि मेरा सामान उनमें भरा रहेगा। अरे भाई आप छोड़ो इन बातों को, हम तो ये कहते हैं कि हमें तो सबसे बड़ा संतोष यही है कि हम और तुम साथ रह सकेंगे। साथ रहें कोई बात नहीं, किराया बढ़ जाएगा। सब मिला जुला कर काफी सस्ता पड़ेगा। और यार साथ साथ रहेंगे तो रोज एक नई चीज हम लिखेंगे तो तुम सुनकर ठीक करोगे, और एक नई चीज तुम लिखोगे तो मैं अपनी राह सलाह नहीं, क्यों नहीं भाई। 1-2 हमेशा ही अच्छे रहते हैं, और तुम्हारी कविताएं पॉपुलर होंगी और मेरी आलोचना। भाई बात यह है कि तुम तो शायद मुझे नापसंद ही करोगे क्योंकि मैं तो तुम जानो के अरे दोस्त सब पता लग जाएगा। अब तो ऊंट पहाड़ तले आया है, अब तुमको पता लगेगा कि मेरा असर किस तरीके से तुम्हारे ऊपर उतरता है। ठीक है, वो तो सब धीमे धीमे होता ही रहेगा। भाई मेरी तो फैमिली भी है। हाँ एक बात मैं बताऊं श्रीधर, मेरी वाइफ को प्याज और अंडे के छिलके तक से उपकाई आने लगती है। सो पार्टनर जरा उसका ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि बाद में इन बातों को लेकर किचकिच मचे बेकार की। ये बात है, जरा देखो। खैर यहाँ तो बिना प्याज के खाना हजम होना भी मुश्किल है। हाँ, भी पर है। लेकिन देखो भाई एक बात मैं भी तुमसे बता देता हूँ। हाँ, बोलो। कि मुझे पाइप से बहुत मोहब्बत है। हाँ। सो जब मैं घर पर रहूं तो अपने किचन का पाइप जरा वक्त जरूरत। हाँ, बोलना तो सब ठीक हो जाएगा। पर उठो अब जरा सामान को करीने से लगा दिया जाए, कम से कम आने जाने वालों को खाली मकान देखकर मकान मालिक से फिर मिलने की झंझट तो ना पैदा हो। क्यों नहीं क्यों नहीं। तो देखो ये कमरा, तो ये कमरा हम लोग सिटिंग रूम बना लेंगे। हाँ, सिटिंग रूम लेकिन कॉमन। हाँ कॉमन। कौन है खोलिए ना भाई, कौन है? अरे भाई खोलिए। हेलो भाई, कमाल है, अभी से सिर्फ 11:15 ही बजे हैं ना, अभी तो अभी से आप सो गए हैं। बात ये है श्रीधर जी, आपने आपके लिए तो आगे नाथ ना पीछे पगहा। वो ठीक भाई, लेकिन मेरे तो बीवी बच्चे हैं। हाँ, वो दिन भर की मेहनत के बाद अगर सोए भी नहीं तो क्या करें यार। ओफो, लेकिन सुनिए तो, मैं तो एक खास काम से आया हूँ, इसीलिए आपको जगाया है। खास काम से? हाँ। मकान मालिक ने नोटिस तो नहीं दे दिया? हद करते हैं आप ये। अब छोड़ो यार, हर वक्त वही मकान का ही मामला रहेगा क्या? देखो एक बहुत ही रिमार्केबल कविता आज अभी लिख कर खत्म की है, अब तुम बैठो तो सुनाऊं। ओफो देखो श्रीधर,
ये तुमने आज तीसरी या चौथी बार मुझे अपनी रिमार्केबल कविता सुनाने के लिए इस तरह रात में बोर किया है। तो क्या? जबकि मैंने अपनी आलोचना सुनाने के लिए रात तो क्या कभी दिन तक मैं आपको तकलीफ नहीं। अम्मा हद करते हो यार, कविता तो सुन लो, फिर आगे की बात आगे होगी। देखो सुनो, ये यानी कुछ नया प्रयोग है, नई कविता है, और इसका यानी जीवन में एक नया ही उपयोग समझिए, नई उपमाएं। तो हाँ, तो सुनिए, जीवन के मूल्यों पर अपनी राय देता हुआ कौन है जीवित? जीवन के मूल्यों पर अपनी राय देता हुआ कौन है जीवित? क्यों साहब, कैसी लगी? खत्म हो गई है? हाँ ठीक है। क्या ठीक? क्या कहना चाह रहे थे आप? अरे हद हो गई, जो कहना चाहते थे उसका तो मैंने संकेत किया है इसमें। यही आजकल की यानी वर्तमान समस्या की जटिलता है, अपनी शांति का सवाल है, और क्या। ठीक है, तो मैं ये सब तो इसमें आ ही गया है ना, तो फिर मैं जन जागृति में इसे भेजे दे रहा हूँ। छाप देगा तो पैसे भी मिल जाएंगे, नहीं तो फिर अपना मन मयूर तो है ही। हाँ श्रीधर, भेज दो, मैं भी अपनी कुछ चीजें जागृति में भेज रहा हूँ। अच्छा, और देखो श्रीधर, वो याद आया यार, मैंने तुमसे कई दफे कहा है कि इधर प्याज के और अंडों के छिलके ना फेंका करो। अरे भाई, मेरी वाइफ को जरा इतराज होता है। तुम भी क्या ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति हो, भला छिलकों से क्या नफरत? खैर मैं आज से ध्यान रखूंगा, लेकिन एक बात मैं भी तुमको बतला दूं। बोलो। है जरा भाभी से कह दीजिएगा कि पाइप तभी खोला करें जबकि कोई काम। भाई वो तो ठीक है यार, खैर मैं कह दूंगा। मैं सोऊं यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छी बात है, ठीक है, तो फिर ध्यान रखना आप। क्यों जी, क्या बात है? अरे भाई बोलिए ना। ये सुबह सुबह कौन सी मुसीबत आ गई जो तुम यहाँ पे? अरे भाई मैं पूछता हूँ, ये क्या है भाई है? ये क्या है? ये देखिए, ये तुम्हारा ही तमाशा है ना है? ये मेरी कविता छपी है और ये आपकी आलोचना। मैंने आपको अपनी कविता सुनाई, सो उसका नतीजा ये है। जी हाँ, आपने जो देखा ठीक ही देखा है। अच्छा, ये मेरी ही की हुई आलोचना। हाँ, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। आपका यही शील है, यही मित्र व्यवहार है। आपका सुझाव है कि मैं कविता लिखना बंद करके मूंगफली बेचूं तो मेरी कविता जनता के अधीन निकट जा सकती है, और आप कहते हैं कि आपकी आलोचना निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना होती है। जी हाँ, ये मैं अब भी समझता हूँ। अरे शर्म कीजिए, आपको व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं आता। आपको जब मकान नहीं मिल रहा था तब मैंने आपकी मदद की, आपको मकान दिलवाया, और उसका फल अब ये भोग रहा हूँ मैं। क्षमा कीजिएगा श्रीधर भाई, मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपका साथ न देता तो आप जिंदगी भर इस मकान का किराया अकेले नहीं चुका पाते। समझा, किस पर से आप मेरे मना करने पर भी चारों तरफ अंडे और प्याज के छिलके फैला रखते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कहता। अरे आप कहीं क्या सकते हैं, आप चार चार बल्ब जलाते हैं, रेडियो रात दिन चलाते हैं। अच्छा? बिना बिजली के पंखे के आप एक क्षण भी नहीं बैठ सकते, लेकिन आधा साझा होने के कारण बिजली में भी मुझे पैसा देना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि मेरा रेडियो बराबर आपकी वजह से चलता रहता है, क्योंकि मतलब? आप बराबर अपनी रचनाएं सुनाने के चक्कर में रहते हैं। बाबा, फिल्मी गाने भी आप ही सुनते हैं क्योंकि आपको उनसे नई प्रेरणाएं मिलती हैं। अरे यही बहुत है कि मैंने आपको कभी अपनी बेशकीमती मशीन अंटशंट तरीके से इस्तेमाल करने से रोका नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन पंखे की हवा आपने मुतवातिर 3-4 घंटे ना खाई हो। अरे फिर भला बिजली का बिल आधा चुकाते हैं तो क्या एहसान करते हैं? छोड़िए, घर जाने दीजिए, मैंने मना कर दिया था कि पाइप वक्त जरूरत ही खोला कीजिए, लेकिन जनाब मुझे बार बार पाइप बंद करने के लिए आना पड़ता है। देखो वो बात आप ना उठाए तो अच्छा है। क्यों? मेरी श्रीमती जी ने मुझसे कई बार कहा कि मैं आपको डांट दूं, क्योंकि मेरी वाइफ का सही शक है कि आपके इरादे नेक नहीं है। देखिए, अच्छा यही होगा कि जब साथ साथ ना है तो इन बातों पर बहस ना करके चुपचाप आप भी पड़े रहिए और मैं भी पड़ा रहता हूं। नमस्कार। अच्छा, आइए, मैं अच्छा तो कोई बात नहीं। नॉनसेंस। हे, हे, हे,
श्रीधर, लेकिन तुम सच कहो, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैंने कोई भी बुरी बात कही है कभी तुम्हें? नहीं नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, उसके पीछे आपकी सदाचयता के अलावा और कुछ नहीं था। भाई मेरी ओर से तो यही बात थी, अब तुम कुछ का कुछ समझ बैठे उसका मुझे अफसोस है। नहीं भाई, अच्छा ही है तुम इस घर में रहो, मैं ही कहीं अलग मकान ले लेता हूँ, क्यों झंझट में रोज रोज पड़ा जाए। तुमको एतराज जो होगा कि मैंने तुम्हारा रेडियो तो ये हम यार कैसी बातें करते हो तुम भी, भला रेडियो के पीछे मैं मित्र से झगड़ा करूंगा? मैं रेडियो तुम रात दिन बजाओ, पाइप तुम रात दिन चलाओ, अंडे और प्याज के बारे में मैं जो कभी कुछ कहूं तो मुझे कहना। हाँ। पर पार्टनर तुम रहो यहां पर, तुमको मैं छोड़ दूंगा तो घर लेकर क्या चाटूंगा? नहीं नहीं देखो श्रीधर, नहीं भाई मैंने सोच लिया, रहने दो यार, वो बात यह भाभी जी को कुछ सिखाई तो गई तो यार तुम भी बस रहे निरे पोपट। वामा मजाक का बुरा मानते हो हैं? भाभी का रिश्ता ठहरा मजाक कर दिया तो क्या बुरा हुआ उसमें, और उसके पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ो भी बात को, भूल जाओ यार। खैर समझ लीजिए, मैं तो समझता हूँ कि आपसे दूर रहता तो मेरी आलोचना भी आप और कसकर बिना किसी मुरब्बत के लिख सकते थे, लेकिन साथ रहकर तो ये सब जरा मुश्किल पड़ता है। यार छोड़ो भी, मैं तुम्हारी दूसरी आलोचना लिखकर किसी दूसरे इम्पोर्टेंट पेपर में छपा दूंगा। तुम भी कैसी बातें करते हो भाई, मैं तो ऐसा आलोचक हूँ कि जो आज कहूँ कल उसे ही अपनी कलम से काट कर फेंक सकता हूँ। मेरे लिए व्यक्ति बड़े हैं, इंसानियत बड़ी है, आलोचना का क्या, मैं आज आई कल गई। ठीक है फिर भाई, समझ लो, देखो अगर तुम्हें कोई एतराज आगे न हो तो बात यह कि मैं किसी होटल में जाकर रह लूंगा, यहाँ भी तो आधा किराया देता ही रहता हूँ। हाँ, और तुम्हारे चल देने पर वो भी मेरे ही मत्थे तो आके पड़ेंगे। वो तुम जानो भाई। मैं देखो श्रीधर, वो सत्थु को, चलो खोलो यार सामान खोलो, लाओ तुम्हारी ये किताबें मैं अलमारी पे जाकर सजा कर। अरे मैं रख दूंगा भाई। यार यहाँ अलमारी में कितने सुंदर लग रही है। तुम यार बिस्तर खोलो और मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लेकर आता हूँ। हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केशव चंद्र वर्मा का लिखा प्रहसन साझे किरायेदार। निर्देशक थे मधुप शर्मा। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।